साउंड है भाई, साउंड है। स्लिप ऑन वाला बेंड पाइप है, वो स्लिप ऑन होगा इसके ऊपर, उसके बाद फिर जाके आवाज़ एकदम मस्त आने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग फाइनलाइज करेंगे जो एग्जॉस्ट हमें लगवाना होगा, वो एग्जॉस्ट लगाने के बाद फिर फाइनली जो आवाज़ आउटपुट आने वाला वो आएगा भाई। एंड गाइज ये चेक करो यार, पूरा बेंड पाइप फिट हो चुका है और मस्त बेंड पाइप में भी अभी आइडियली का ये आवाज़ आप सुन लो, एक बार रैप करिए। फुल रैप में भाई काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ है। तो अभी हम लोग सारा एग्जॉस्ट को टेस्ट आउट करने वाले एक एक करके, तो धीरे धीरे टेस्ट करते हैं और देखते क्या है इसका पूरा साउंड निकल के आने वाला है। यह आ गया अपना एक्रा पोविक का डुअल वैल्व वाला, ये देखो इसमें दो वैल्व आता है। हेलो गाइज, मैं हूं प्रियांशु, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइज अभी देख रहे हो अपनी लूसी की मैं निकाल चुका हूं एकदम मस्त क्लीन करके। यार आज है संडे और आज है मार्केट पूरा क्लोज, मतलब संडे को यूजुअली बंद नहीं होता मार्केट, पर क्या है अभी कि धनबाद में कल कोई सीन हो गया था गाइज, कोई मतलब कुछ वैसा गन फायरिंग शॉट ये सब हो गया था, तो उसके चक्कर में यार आज पूरा मतलब ऐसा समझ लो कि कर्फ्यू टाइप्स लगा हुआ है। तो सभी लोग अपने अपने दुकान वगैरह सब बंद करके रखे हैं। उनका अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाना है गाइज, वो मैं आपको दिखा दूंगा यार। पर अभी देखो यार, फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है एग्जॉस्ट लगवाने के लिए जा रहे गाइज हम लोग, पर दुकान अगर बंद होगी तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी अपनी बाइक पे तो एग्जॉस्ट लगा ही है एक्रा पोविक का। कैसे हैं? वाह, लीवर गार्ड मैच हो गया, कैसा है भाई? चलिए। एंड गाइज अंकित भैया देख लो आ चुके अपने RS के साथ, कल उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन कराया है पर आज भी एग्जॉस्ट लगवाने जा रहे हैं। तो चलो यार दोनों भाई हम लोग साथ में मस्त जा रहे हैं, अपना एग्जॉस्ट फिटिंग वगैरह कराएंगे। हम लोग बाईपास वाला रोड ले रहे गए क्योंकि बैंक मोड में मे भी ट्रैफिक हमें मिले, पर यार आज संडे आज कोई ट्रैफिक का सीन नहीं होगा। पर क्या है ना, मैं आपको बताया जैसा स्टार्टिंग में कुछ फायरिंग वगैरह हुआ था तो उसके कारण में भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होगा, क्योंकि अपने झरिया जो है वो भी पूरे एकदम ऑलमोस्ट बंद ही है, तो उधर से जाना सेफ भी नहीं है क्योंकि फायरिंग वगैरह नॉल समझ लो भाई, अपने को डर लगता है तो दूसरे रूट से जाते हैं। मे भी दुकान बंद हो यार, क्योंकि जहाँ पर फायरिंग हुआ था ना गाइज वो ऑटो पार्ट्स का ही दुकान वगैरह कुछ ऐसा था, मुझे उतना पर्सनली अच्छा से पता नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ जैसा रूमर्स में मैंने सुना है, तो इसीलिए देखता हूँ यार अगर मे भी हो सकता है बंद भी हो दुकान। और भाई यहाँ अपने साथ पोपट हो गया क्योंकि यार शॉप ही बंद है इधर। हम बोले ना कॉल कर रहे थे, कॉल ही नहीं उठा रहे भैया, बंद ही होगा। तो गाइज यहाँ पे जो भैया यहाँ पे काम करते ना वो हमें मिल गए, तो फिलहाल वो अभी पार्ट्स अरेंज करा देंगे और अभी जस्ट हमारा काम हो जाएगा यार। तो यहाँ दुकान में तो नहीं यार, पीछे के साइड में हम लोग जाकर अपना काम करवा लेते। अपनी बाइक पे तो कुछ वैसा काम नहीं है गाइज, अपनी बाइक को साइड में कहीं लगा देता हूँ मैं। लूसी को गाइज हमने पार्क कर दिया, ओ भाई लूसी को पार्क कर दिया यार, और अब इसका जस्ट पार्ट्स आने का वेट करते हैं। और मैं आपको दिखा दूं यार कि यहाँ पे क्या पूरा चेंज होने वाला है। देखो ये वाला मेनली क्या होने वाला है ना गाइज, ये इसका मफलर आता है, तो मफलर को भी हम लोग रिमूव करवा सकते थे, मतलब इसमें ऑप्शन है, पर मफलर को नहीं यार। यहाँ पे आपको एक कैटली कन्वर्टर दिख रहा होगा, वो सिंपली हम लोग मूव वहाँ से हटवाएंगे और गाइज पूरा यहाँ पे एग्जॉस्ट आ जाएगा जैसे अपनी बाइक में वैसा सेम। तो पूरा प्रोसेस यही होने वाला है, बस सामान मिल जाए यार। अच्छा है कि हमें आज काम हमारा हो जा रहा है तो मज़ा आने वाला है भाई, स्पेशली दुकान खुलवा कर हम लोग निकलवा रहे सामान। लीजिए SC प्रोजेक्ट, आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा लगता है भाई, और सब निकाल रहे हैं अभी 2-3 घंटे इधर ही एक साइड। हाँ चेयर पे रखिए ना, ये चेक करो गाइस आ गया इसका पूरा बेंड पाइप, ये दो 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 पार्ट्स में आता है, इसको आपस में एक बार में किया जाता है पूरा, और यहाँ पे सारा अपना एग्जॉस्ट निकल के आ चुका है। सभी को अभी हम लोग टेस्ट करवाने वाले हैं, जो अच्छा बेटर साउंड करेगा वो वाले भैया अपना फाइनल करेंगे। तो गाइज आप चेक करो यहाँ पे इसका पूरा फेयरिंग एंड ऑल सब चीज़ खुलने वाला है, और मेनली इसका हेडर्स एकदम आगे होता है गाइज, आगे से पूरा पीछे तक का या पूरा पार्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ब्रेक असेंबली ये सब सभी को खोलना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि इसका जो कैटली कन्वर्टर उसको हम लोग बाहर निकाल पाए। तो वो बाहर निकलेगा, उसके बाद फिर वो अपना जो स्लिप ऑन वाला बेंड पाइप है वो स्लिप ऑन होगा इसके ऊपर, उसके बाद फिर जाके आवाज़ एकदम मस्त आने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग फाइनलाइज करेंगे जो एग्जॉस्ट हमें लगवाना होगा, वो एग्जॉस्ट लगाने के बाद फिर फाइनली जो आवाज़ आउटपुट आने वाला वो आएगा भाई। इतना बड़ा प्रोसेस है, अभी हम लोग धूप के अंदर में देख लो यार, धूप के अंदर में काम करवा रहे हैं अपने। ये निकल गया गाइस मफलर इसका, अब ये कैटली कन्वर्टर, आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये कैटली कन्वर्टर है, वो निकलेगा, उसके बाद फिर जाके बेंड पाइप इंस्टॉल होगा। ये देख लो गाइस क्या खुला है, अब बेंड पाइप डायरेक्ट फिट हो रहा है गाइस, चेक करो
मस्त ये फिटिंग बैठ जाएगा, उसके बाद फिर भाई आवाज़ एकदम मस्त हल्का मचाएंगे। एंड गाइज ये चेक करो यार, पूरा बैंड पाइप फिट हो चुका है और मस्त बैंड पाइप में भी अभी आइडियली का ये आवाज़ आप सुन लो, एक बार रैप करिए। फुल रैप में भाई काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ है, तो अभी हम लोग सारा एग्जॉस्ट को टेस्ट आउट करने वाले हैं एक एक करके, तो धीरे धीरे टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसका पूरा साउंड निकल के आने वाला है। बंद कर देते यार अब इसको, पहले जा रहा है एस सी प्रोजेक्ट का। ओ भाई मस्त आवाज़ है, आइडल में भी काफ़ी अच्छा है और रैव में भी भाई बेस है, बेस है भाई। सुपर बाइक बन चुका है गाइस ये। हाँ भाई आ गया गाइस एस सी प्रोजेक्ट का, ये शॉर्ट या लॉन्ग बोल सकते हो, उस लॉन्ग कैन शॉर्ट कैन तो जो फर्स्ट में हमने ट्राई किया था वो था एस सी प्रोजेक्ट। ये आ गया एक्रापोविक का, योशिमुरा और एक्रापोविक ये सेम आता है, मतलब यही वाला सिर्फ इसका लोगो डिफरेंट है। ये अभी इसमें डीबी किलर लगा हुआ है, काफी दबा सा आवाज है, दबा सा आवाज़ दबा हुआ गाइस इसका, जैसे डीबी किलर हम लोग रिमूव करा देंगे ना तो फिर आवाज़ एकदम मस्त हैवी हो जाएगा। तो लास्ट में इसको डीबी किलर खोल के भी एक बार चेक कर लूँगा मैं, बाकी अभी फिलहाल तो ये सारा जो भी बचा हुआ है ये सबको एक बार टेस्ट आउट करवाते हैं। ये आ गया अपना एक्रापोविक का डुअल वाल्व वाला, ये देखो इसमें दो वाल्व आता है। हाई आरपीएम में कुछ ज़्यादा ही मजा आएगा इसमें, लेकिन ठीक है यार इसमें वो, मतलब अगर आप एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो ये वर्थ नहीं लग रहा है मुझे, मतलब इसमें एक्स्ट्रा पैसा भी लगेगा और आवाज़ भी थोड़ा कम ही आएगा। बाकी ये R9 है क्या, R9 है आई थिंक, पता नहीं गाइस कौन सा ये नया आया हुआ है, एक्रापोविक का ये है। ओ भाई बेस है भाई, काफ़ी ज़्यादा बेस है इसमें, मतलब इसमें इसका जो वाल्व है ना गाइस काफ़ी बड़ा है, इसका ओपनिंग जो है काफ़ी बड़ा है, इसलिए लॉन्ग कैन में इसका अलग बेस टाइप का आवाज़ आ रहा है। यहाँ गया गाइस जो हमने लूसी के ऊपर लगवा के रखा है, ये अभी डीबी किलर के साथ है। डीबी किलर खुलने के बाद गाइस इसका और भी ज़्यादा लाउड हो जाएगा ये। तो गाइस फाइनल हो गया ऑस्टिन रेसिंग, हाँ वो तो भाई अनदर लेवल आवाज़ आ रहा है। बेस काफ़ी ज़्यादा है गाइस इसमें और भाई इसका अनदर लेवल का आवाज़ भी होने वाला है, और इसमें क्या है ना गाइस कि ये मतलब हीट अप होने पे ज़्यादा ही आवाज़ थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब और अच्छा बेस वाला हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी जस्ट हमने नया नया इंस्टॉल कराया ना, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ ऐसा है, आपको कैमरा में पता नहीं चल रहा है लेकिन सामने से आवाज़ काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस टोटली सब चीज़ यहाँ पर फिट हो चुका है, ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट वगैरह भी सब इंस्टॉल हो चुका है, अब जस्ट यार अपनी लूसी को और RS 200 को लेकर निकलना है यार, आपको साउंड में सुनाऊंगा अभी रोड के ऊपर। भाई अपनी दोनों बेस ऑन है, ये भी ऑन है वो भी ऑन है, आपका आवाज़ समझ में आ रहा होगा यार क्या बेसी आवाज़ आ रहा है यहाँ पे, फुल बेस वाला आवाज़। मस्त मस्त आवाज़ एक नंबर आने वाला है, रोड पे और बढ़िया आएगा। ओ मैन साउंड है भाई, साउंड है लिटरली साउंड है यार, फुल सुपर बाइक वाला फील है। ओ हो रिएक्शन भी मिलना शुरू हो गया गाइस, फुल तबाही। अभी बाइक हीट अप होने के बाद और भी मस्त सा साउंड आने वाला है गाइस, तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।